बिसम टी वी में आपको खुश आमदीद कहते हैं आज छः फरवरी दो हज़ार चौबीस रोज़ मंगल पच्चीस रज चौदह सौ पैंतालीस सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबर के साथ मैं हूँ वसीम अगर आप सऊदी अरब के हरम बदलती हाल पर नजर रखना चाहते हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस कर लें आज के इस पर्यटन को मुकम्मल देखिएगा शुरू करते हैं पहली खबर के साथ अलबाह में ट्रैफिक हादसा तीन अफराज ज़ख्मी अलबाह रिचर्ड की सऊदी हलाल अहमद का कहना है कि ट्रैफिक हादसे में तीन अफराज ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया आदिल वेबसाइट के मुताबिक रीजनल हलाल अहमद के तर्जमान्माद बिन मनसीजहरानी ने मजीद बताया कि इदारे के कंट्रोल रूम में हादसे की इतला मौसू हुई है हादसे के मुकाम की निशानदही करने के बाद फौरी तौर पर तीन एम्बुलेंस भेज दी गई इमदादी टीम सत्रह मिनट के अंदर जय हादसा पर पहुँच गई इमाद अल जहरानी ने कहा कि ज़ख्मियों को इब्तई तबी इमदाद फ्राम करने के बाद कलवा जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया इस हवाले से सऊदी हलाल अहमद की जानब से जारी पैगाम में कहा गया किसी भी हादसे की सूरत में रश इकट्ठा ना हो ताकि इमदादी कार्रवाई बर वक्त मुमकिन हो सके वाज रहे कि हलाल अहमर शदी जख्मियों को बड़े हस्पताों तक जल्द अज्ज मुंतकिल करने के लिए एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल भी करती है कमिश्नर जद्दा की जैर सरपरस्ती रजाकाना सरगर्मियों पर फॉरम कमिश्नर जद्दा शजादा सऊद बिन अब्दुल्ला जलवे की जैर सर, सरप्रस्ती रजाकाना सरगर्मियों से मुतक जो है फॉरम का तीसरा एडिशन मनकद किया गया सऊदी खबरस्तान एजेंसी एस पी ए के मुताबिक फॉरम जद्दा म्यूनसपलिटी के जरमाम मनकद किया गया जिसमें मेयर जद्दा सारे बिन अली अल तुर्की भी मौजूद थे फॉरम का अनुवान दस लाख रजाकारों के लिए रखा गया था जद्दा की यूनिवर्सिटी के तलबा ने रजाकाराना सरगर्मियों के समाजी असरा पर मबनी खाका पेश किए जिसे हाजरी ने बेहद सराहा इस दौरान जद्दा म्यूनिपलिटी के साथ रजाकराना तौर पर तान करने वाले इदारे और दीगर तंजीमों की हौसला अफजाई करते हुए उनकी खिदमत को भी सराहा गया तजारती परदापोशी पर एक साल में दो करोड़ रयाल से ज्यादा के जुर्माने वजार तारत ने ने तजारतीदापोशी कानून की ख़िलाफियों पर पिछले साल चौबीस इशार या तीन मिलियन रियाल जुर्माना आयद किए अरबी रोजन अवकाज के मुताबिक सऊदी अरब में कारोबारी कवानीन का के तहत ऐसे किसी भी गैर मुल्की को जतीी कारोबार करने की इजाज़त नहीं जो सरमाकारी के वीज़े पर ना हो कानून के मुताबिक गैर मुल्की को अपने नाम से कारोबार करने के लिए इन्वेस्टर वीज़ा हासिल करना ज़रूरी है ऐसे लोग जो सऊदी शहरीों के नाम से काम करते हैं वो कानून के ख़िलाफ़ वर्जी के मृतकब करार पाते हैं सऊदी शहरीों के नाम पर ीती कारोबार करने के अमल को सऊदी अरब में तस्तर तजारी कहा जाता है यानी तजारती पर्दापोशी। ऐसे करने पर वजारत तजारत की जानब से जुर्माना आयद किया जाता है एक साल के दौरान वजारत तजारत ने सऊदी अरब के तमाम इलाकों में मुख्तु छापामार कार्रवाईों के दौरान आठ सौ पचास खिलाफवर्जियाँ पकड़ी जिन पर मजमू तौर पर चौबीस इशारिया तीन मिलियन डाल के जुर्माने जो हैं वो आयद किए गए चेहरे के तसर पड़ने वाली सऊदी अरब की पहली स्मार्ट सिक्योरिटी कार की नुमाइश सऊदी अरब में वजारत दाखला ने आलमी दफाई नुमाइश दो तो हज़ार चौबीस में अपने पवीलियन में मसनू जहानत की टेक्नोलॉजी से लेस पहली इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी गाड़ी की नुमाइश की यह सऊदी अरब में लूसिड के जरिए तैयार करता है ये कार मसनू जहानत के निजाम के साथ हिफाजती खिलाफवर्जियों की निगरानी करती है इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी भी शामिल है जो इसे ट्रैफिक के जवाब की खिलाफवर्जी करने वाली गाड़ियों की लाइसेंस प्लेट को पहचानने के काबिल बनाती है यह मतलूब अफराद की शनाख्त भी कर सकती है इसमें लगे छः कैमरों के जरिए चेहरे के तसर पड़कर उनके रवैये का तयन कर सकती है इसमें डाटा का तजिया करने और इसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजने की सलाहियत भी है जो उसे सिक्योरिटी के मैार और महफूज ट्रैफिक को बढ़ाने के काबिल बनाता है गाड़ी की छत पर एक ड्रोन भी है जो उड़कर उन जगहों की तस्वीरें ले सकता है जहाँ पर कोई मुजरमाना कार्रवाई हो रही हो मिसाल के तौर पर शूटिंग के वाक्य की सूरत में ड्रोन को डायरेक्ट लॉन्च किया जा सकता है ताकि दूर से उस जगह की तस्वीर कशी की जा सके और मतलूबा जो डाटा है वो इकट्ठा किया जा सके मनू जहानत की टेक्नोलॉजी से लेस ये इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है सिक्योरिटी कार गुज्त दिसंबर में जदा के किंग अब्दुल्ला अब्दुल्लाकनॉमिक सिटी में जो खुलने वाली लूसिड फैक्ट्री में तैयार की गई थी कंपनी का मकसद सालाना पाँच हज़ार कारें तैयार करना है और इसे बतदरीज एक लाख पचपन हज़ार इलेक्ट्रिक कारों की तैयारी तक पहुँचाने का मनसूबा है शाही मेहमान मदीना मरवरा से उम्र अदा करने मवाना हो गए सऊदी अरब में शाही जियाफ़त में उमरा ज़ियाारत प्रोग्राम के मेहमान मदीना मु मनवरा से उम्र अदा करने मकर रवाना हुए सऊदी प्रेसिजेंसी के मुताबिक शाही मेहमान काफ़िले की सूरत में ज़िल हलीफा मिकात पहुँचे जहाँ उन्होंने अहराम की नीयत की शाही मेहमानों ने शानदार जियाफ़त पर खादिम खादम अरमेन शर्फन बिन अब्दुल बिनदीज़ और वलीद का शुक्रिया अदा किया शादम अरमान शरफे प्रोग्राम के दूसरे मरहल में यूरोप जनूबी अमरीका के पंद्रह मुल्कों से दो सौ पचास उमरा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचे हैं फिंच ने सऊदी अरब की क्रेडिट रेटिंग ए प्लस कर दी क्रेडिट रैंकिंग इदारे फिंच ने सऊदी अरब की क्रेडिट रेंटिंग जो है ए प्लस कर दी है सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने सऊदी अरब की इकानी की मजबूती हकूमती चाहत कौमी पैदावार और बेरूनी असासी का जायजा लेकर सऊदी अरब को ए प्लस पर बरकरार रखने का फैसला किया है इदारे ने कहा कि सऊदी अरब का माली इस्तेकाम ए और डबल ए रैंक से कहीं ज़्यादा ऊंचा है गुम नाम अवकाफ की इतलात देने पर पाँच फीसद इनाम मिलेगा औकाफ जनरल अथॉरिटी ने कहा कि गुमनाम जो औकाफ है उससे मुत्लिकला देने पर इनाम दिया जाएगा सबक वेबसाइट के मुताबिक औकाफ अथॉरिटी ने गुजत अरसे के दौरान नौ मिलियन रियाल मालीत के गुमनाम औकाफ की अतलात देने वालों को इनाम दिए हैं औकाफ़ अथॉरिटी ने कहा कि गुमनाम अवकाफ़ की अलाह देने वाले के ख्वाफ खुफिया रखे जाएँगे अजला देने वालों को कानूनी तहफ़ हासिल होगा और जवाबत पर पूरा उतरने के बाद गुमनाम अकाफ़ की मजमू मालियत का पाँच फ़ीसद और ज़्यादा से ज़्यादा बीस लाख रियाल उसे बतौर इनाम दिया जाएगा अथारटी ने रहायशों से अपील की है कि गुमनाम अवकाफ़ के मुतल आगाह करें अलसा रन रेस में बारह हज़ार से ज्यादा मर्द ख़वान की शिरकत सऊदी अरब में अखिलजी रियासतों और पूरी दुनिया के तमाम खितों से बारह हज़ार से ज्यादा इतवार की सुबह से ही अलहसा रन रेस में हिस्सा लेने के लिए जमा हुए थे उस रेस की क्यादत अलहसा के गवर्नर शा सऊद बिन दलाल बिन बदर कर रहे थे इस इवेंट को अलहसा गवर्नरी अलहसा म्यूनसपलिटी सऊदी स्पोर्ट्स फेडरेशन और वूसा हेल्थ ग्रुप की तंजीम का तान हासिल था अलहसा के गवर्नर ने जोर दे कहा कि दो हज़ार चौबीस के सीज़न के लिए अलसा रन रेस कम्यूनिटी के मुतासर को इकदाम में से एक समझा जा सकता है क्योंकि इस सीज़न के लिए मरीजों की मदद और बहाली के कदम के लिए एक हज़ार मील के बराबर का स्लोगन इख्तियार किया गया है सऊदी महकमा ट्रैफिक ने सड़कों पर मखसूस लैन पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया महकमा ट्रैफिक ने कहा कि लैन तब्दील करने से पहले लैन के दरमियान जाने से पहले इंडिकेटर देना जरूरी है उन्होंने मजद कहा लैन को तब्दील करने से पहले इस बात को यकीनी बनाएं ऐसी कोई अलामतें तो मौजूद नहीं हैं जो आपको इस लैन में जाने से मना करती हैं उन्होंने मजद कहा कि लैन तब्दील करते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि दूसरी लैन गाड़ियों से खाली हो जमहूरिया अजरबैजान में सऊदी अरब के सफारत खाना ने दी है कि जमहूरिया अजरबैजान में सरकारी छुट्टी के मौके पर सफारत खाना कल बुध सात फरवरी को बंद रहेगा सफारत खाना ने वाहत की है कि ट्विटर प्लेटफॉर्म पर ऑफिशियल अकाउंट के जरिए शहरीों और ज़ायरीन को वो काम दोबारा जो है उसके बाद शुरू हो जाएगा जो आठ फरवरी की सुबह से तमाम काम ममूल के मुताबिक होंगे सिर्फ एमरजेंसी सूरत में सऊदी नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो कि डबल जीरो डबल नाइन फोर फाइव जीरो थ्री सिक्स सेवन डबल वन डबल ज़ीरो साइंस अलर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप वीडियो गेम्स खेलने हेडफोन्स पहनने और ऊंची आवाज़ में लंबे घंटे गुजारते हैं तो आपको मुस्तकिल समाज से महरूमी का ख़तरा हो सकता है ऊंची आवाज़ बहुत से लोगों के लिए वीडियो गेम्स के तजर्बे का एक बड़ा हिस्सा है लेकिन हम इस बारे में ज्यादा नहीं जानते कि गेम्स हमारी समात पर यानी कि सुनने पर क्या असर डालती हैं अलहर्रा वेबसाइट के मुताबिक महक की एक टीम ने मुताल किया जिसमें नौ मुख्य ममारे के पचास हज़ार से ज़्यादा अफराद शामिल थे जिसमें समात की कमी उसके अलावा टन

बैंकॉक में खेले जाने वाले ए सी टी ट्वेंटी कामयाबी हासिल करके चैलेंजर सेमीफाइनल में जगह बना ली है और इंडोनेशिया के खिलाफ सऊदी टीम ने ग्रुप ए के, के, के तीसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुक्र बीस ओवर्स में चार विकेटों के नुकसान पर एक सौ पचासी रन बनाए अब्दुल वहीद ने फैसल खान के साथ मिलकर शानदार का आगाज किया अब्दुल वही दो छक्कों और तीन चौकों की मदद से तेईस गेंदों पर बत्तीस रन बनाकर स्ट्रम्प आउट होके ओपनर फैसल खान ने भी इसी तरह फिफ्टी मुकम्मल की इन दिनों असर के पहाड़ी इलाकों में सर्दी धुंध और बारिश की लहरें देखने को मिल रही हैं और यहाँ पर रहने वालों को और विस्तृत की अक्सरियत जो है वो गर्म इलाकों में साहिलों पर जाकर गर्म मौसम की तलाश को तरजीह देती है जैसा कि अलहरीदा कहमा अलबराक और उमक इन इलाकों में हज़ारों लोग समुंदर उसकी लहरों और उसके मरचान की चटानों के नज़ारों से लुफ़ंदोज़ होने और माहरी गिरी समुद्री सफ़र और खोताखोरी के खूबसूरत पुरुत्फ़ वक्त गुजारने के लिए मौजूद हैं एस पी ए के लेंस ने साहिल समुंदर पर मौजूद पहले समुद्र पर जाने वालों की बड़ी तादाद को देखा और अलहरीद में समुद्री महाज ग्रू गुब आफ्ताब के लम्हात और इसको देखने के लिए बहुत से लोग वहाँ पर मौजूद थे दूसरे लोग वाटर फ्रंट के साथ कैफे और सेशंस में बैठने को तरजीह देते हैं जहाँ कई तफरी मनसूबे जो हैं वो कायम किए गए हैं ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ है ना, मजीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम छः बजे का न्यूज़ पर्यटन देख सकते हैं इसके साथ हम आपसे ज्यादा चाहेंगे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा आपके कीमती वक्त का शुक्रिया अपना ख्याल रखिएगा असलकम